छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित कांकेर पुलिस ने मुठभेड़ में 29 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। मुठभेड़ की इस घटना में सुरक्षा बलों के 3 जवान भी घायल हुए हैं। इस घटना में ऐसे समय में हुई जब बस्तर में 19 अप्रैल को लोकसभा के मतदान होने हैं और माओवादियों के चुनाव बहिष्कार की अपील भी की है। बस्तर रेंज IG पी सुंदर राज ने बताया कि भीषण गोलाबारी में 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए हैं और मौके से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने इस एनकाउंटर में शंकर राव को मारने में सफलता पाई है। वह दंडकारण्य डिवीजन में नक्सलियों का सबसे कड़ा और प्रभावशाली कमांडर था। शंकर राव अपने डिवीजन का मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ था और उसके सिर पर 25 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। काफी बड़ी संख्या में 315 और 312 और बर्मा वेपन, साथ साथ जो 9 mm पिस्टल है, जो वेपन का सर्विस वेपन है,